वेलकम बैक टू माय चैनल। घर के बने खाने का इम्पोर्टेंस तो हमें पता चल ही गया है, तो घर के बने हुए डेजर्ट ट्राई करते हैं। आज हम बनाएंगे कराकंद। चलिए देखिए इसे कैसे बनाना है। हम एक लीटर गाय का दूध लेंगे। अगर आप थाली वाला दूध लेते हैं तो आप सिंगल टोन ले लीजिए। हमें इसे बॉईल करना है। और ये देखिए हमारा दूध बॉईल हो गया है। गैस ऑफ कर लीजिए और इसे 2 मिनट तक थोड़ा ठंडा कीजिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम इसे फाड़ेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारा पनीर सॉफ्ट निकले और दानेदार निकले। इसी तरह से हम इसे घुमाते रहेंगे ताकि इस पर कोई मलाई ना आए। हम इसमें 2 टेबलस्पून विनेगर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब दोबारा डाला है हमने। ये देखिए धीरे धीरे घुमाते घुमाते हमारा पनीर निकल आया है। हमें ऐसा ही दानेदार पनीर चाहिए। आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से अलग हो गया है। आप देख सकते हैं जैसे येलो वाटर निकल आया है, इसका मतलब हमारा पनीर बिल्कुल सही निकला है। अब हमारा पनीर निकल गया है तो हम इसे छान लेंगे। एक बाउल पे आप एक छन्नी रखेंगे, उस पर मलमल का कपड़ा रख सकते हैं या कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा रख सकते हैं। हम इसे छान लेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। हम इसे निचोड़ लेंगे और एक बार साफ पानी से धो लेंगे ताकि इसमें से सारा विनेगर निकल आए। एक बार हम इसे दोबारा से धो लेंगे। आप चाहें तो 2 से 3 बार इसे धो सकते हैं ताकि इसमें पानी ना रहे। इसी तरह से हम टाइटली इसे निचोड़ लेंगे और साइड में रख देंगे। हम एक पैन लेंगे, इस पर थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। अब हम रबड़ी बना रहे हैं। आप इसमें भैंस का दूध ले सकते हैं या फुल फैट वाला दूध ले सकते हैं, उससे रबड़ी इजीली बनती है। बॉईल करते वक्त हमें ध्यान देना है कि इसके साइड्स ना स्टिक हों और इसका जो तला है वो भी चिपकना नहीं चाहिए, इसीलिए हमने इसे घी लगाया था। अब आप देखिए ये रिड्यूस होता जा रहा है। अप्रॉक्सीमेटली हम इसे 1/3 तक रिड्यूस कर देंगे। 1 लीटर दूध का 1/3। ये देखिए हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1/3 हो चुका है। अब हम इसमें पनीर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कहीं भी कोई गांठें ना हो और अच्छे से मिक्स हो पाए। इसी तरह से हम साइड्स को स्क्रेप करते जाएंगे और सेंटर भी चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है। हम इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे। आप अपने स्वाद अनुसार इसे घटा और बढ़ा सकते हैं। चीनी पानी छोड़ता है, इसे हम अच्छे से सुखा लेंगे। हमारा कलाकंद लगभग तैयार है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अगर आपको कलाकंद की बर्फ़ी बनानी है तो इसे आप थोड़ा सा और रिड्यूस कीजिए। अगर आप इसे कलाकंद ही खाना है तो ये कलाकंद तैयार है। हम इसे चॉप्ड एलमंड्स और केसर के साथ गार्निश करेंगे। हमारा कलाकंद इज रेडी टू सर्व। ये देखिए दानेदार कलाकंद। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि कैसा बना।